का ये परिंदा छिपा था कहाँ, मनीष भैया अच्छा थे उनको बिहार ले आओ। सॉन्ग आए थे जो कि ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेंडिंग पर चला था, जो कि उसमें भी आप मनीष का सब जी को अच्छे खासे धो रहे थे। तो अभी कोई ऐसा सॉन्ग है जिस सब जी को बिहार से तमिलनाडु ले जाया गया है, इसके बारे में आप क्या? कोई गलत नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियाँ गलत करने पे मजबूर करता है, और जिस प्रकार वो अपने अभद्रता से वो आज इस जगह पे गए हैं, उनको भी लग रहा होगा कभी कभी, उनको कब लगता होगा जब वो टॉयलेट करते होंगे, पैखाना पे सीट पे बैठते होंगे ना, तो लगता होगा कि यार मैं क्या करूं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये समीर चौधरी जी है, जो कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो उसमें आप देखिएगा हमेशा नंबर वन पे ट्रेंडिंग पे चलते रहते हैं। तो आइए उन्हीं से आज कुछ करवे सवाल पूछेंगे जो कि मनीष कश्यप के बारे में होंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे मनीष कश्यप जी का, लेकिन आप पता नहीं अचानक क्या हुआ कि अभी जो है आप उसका सपोर्ट करने लगे हैं, ये इसके पीछे क्या मतलब कुछ राज है या बस ऐसे दिल में आया? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि हम लोग बिहारी हैं, और हमसे ज़्यादा हमारा समाज जो होता है ना, गलती करने वाला से ज़्यादा गलती को माफ़ करने वाले लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। संस्कृति क्या है बिहार में ना दिखता है। और चीज़ है कि इसमें आप देखेंगे कि आप पहले एक सॉन्ग गाए थे, जो कि ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेंडिंग पर चला था, जो कि उसमें भी आप मनीष कश्यप जी को अच्छे खासे धो रहे थे। तो अभी कोई ऐसा सॉन्ग है जिस उस... अभी एक गाना बनाए हैं और जो बहुत ही जल्द आप लोगों को मीडिया का माध्यम से समर्थन सॉन्ग इसको बोलते हैं, समीर, और इसका टाइटल है समीर चौधरी का समर्थन सॉन्ग मनीष कश्यप के लिए। तो ये बहुत जल्द गाना आ रहा है आप लोग के पास। जैसे मनीष कश्यप जी को बिहार से तमिलनाडु ले जाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बुरा वाला बात हो, यही चक्कर में तो जे व्यक्ति दाल भात चोखा खाता है ओकरा ले गलो इडली सांभर डोसा के जगह पे आए। अब भैया मेरे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति को अगर जेल में ठूस दिया जाता, अगला के हिंदी में बोल रहा पैखाना लगल है, अगला के हिंदी समझ में नहीं आ रहा, हक देगा पॉइंट में। तो एक से अच्छा है कि बिहार लिया जाए, समाज का बेटा ना जी, बिहार समाज का बेटा है, बिहार समाज में रखते हुए इनको यहाँ पे कार्रवाई किया जाता तो अच्छा रहता। मतलब कुछ हद तक ऐसा लगता कि दर्द होता है कि बिहार का बेटा है और उसको तमिलनाडु ले जाया गया। हमू बिहार के धरती पर जन्म लिए हैं पटने से, तो हमारा कहना है कि हम लोग के दिल में दया बहुत ज़्यादा है। और मैं एक बात बताऊँ आपको कि व्यक्ति कोई गलत नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियाँ गलत करने पर मजबूर करता है, और जिस प्रकार वो अपने अभद्रता से वो आज इस जगह पर गए हैं, उनको भी लग रहा होगा कभी कभी, उनको कब लगता होगा जब वो टॉयलेट करते होंगे, पैखाना पे सीट पे बैठते होंगे ना, तो लगता होगा कि यार मैं क्या कर दिया, आज यहाँ आ गया। तो ये सोचने का समय होता है लोगों को, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सोचने का समय होता है। वो जो बाथरूम में लोग सोचते हैं, मैं वो बात बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो न्यूज़ बनाते हैं जिस तरह से, जिस माध्यम से वो न्यूज़ बनाते हैं, वो न्यूज़ आपको कैसा लगता है उसका? कभी कभी कहीं कहीं ठीक ठाक है, अब कभी कभी कहीं कहीं बोले तो सब नहीं। अब जिस प्रकार किसी बच्ची को पैसा देकर प्रमोट करना, शिक्षा को कुशिक्षा कर देना, रेल देना, टेल देना, पेल देना, ये सब नहीं ठीक था भैया। अच्छा, मतलब पैसा दे के भी मतलब न्यूज़ बनाते हैं क्या? अरे भैया, कोई मान ले कि तुम्हारी छोटी बहन है, ये वो गाना गुनगुना दी, उसको जाके हम पैसा दे देंगे, पढ़े के ज्ञान ना दे के उसको हम चॉकलेट, उसको कहेंगे कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो। तो जहाँ पे बच्चों को जितना मतलब नहीं होता है कि बच्चा जो होता है वो कच्ची माटी होता है, उसको जैसे रखोगे उसे ढलाएगा। तो उस बच्चे को कभी उस समय अभी स्ट्रिक्ट चाहिए था, पढ़ाई लिखाई 10वां पास कीजिए, बिहार से IAS ज़्यादा बनते हैं, हमारे बिहार के लोगों को उस जगह पे पहुंचाना है तो कला के क्षेत्र में डाल दे रहे हैं। आज तक कलाकार तो यहाँ इंस्टाग्राम पर ढेर पैदा हो गया है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है मनीष कश्यप जी का, जो बोल रहे थे कि हमें जेल में डाल दीजिए तेजस्वी जी, आपका सरकार हम 180 दिनों में गिरा देंगे, ये कहाँ तक सच है? अरे भैया, सरकार कैसे गिर तू यार, अगला साल इलेक्शन है, कहीं ना कहीं अभी कुछ समय बाद शायद ऐसे भी मुख्यमंत्री शासन लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर यही टॉपिक चल रहा था जो कि ये ओकाश, उसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हमारा गनवा चले कि ना आए वो वाला जो आपका शॉर्ट जो एक गाना आया था, वो वाला, हाँ वो वाला गनवा जो था बहुत, एक पत्रकार आया बोलता है हमारा सामने रहते हुए बताइए, हमारे सामने खड़ा है, हमारे 4 गो आदमी के सामने घूड़ के भीड़ल है, हमारे सामने गनवा गाता है समीर चौधरी पगला करके ऐसा कुछ गाया, हम बोले छीने करके हमारा, रे मैंने तोरा इतना हिम्मत हो गलो कि तू हमारा सामने खड़ा हो, हमें विरोध कर रहा है,
समीर चौधरी मनीष कश्यप के सामने खड़ा होकर मनीष कश्यप का कभी विरोध नहीं कर सकता है। कारण कि भैया वो आदमी का हम विरोध नहीं कर रहे, उनकी हम चरित्र का विरोध कर रहे थे। तो आप भी मेरे चरित्र का अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप मेरे सामने आके हमारा बारे में ऐसे कीजिएगा तो वो तो लतखोर वाला बात हो गया, या तो आप लतखोर टाइप के आदमी होंगे इसीलिए आप आ गए लात खा के चक्कर में हमारा बिजुन। यानी कि आप उसका विरोध नहीं कर रहे, उसका जो काम करने का जो तरीका था उसको आप विरोध कर रहे। जी जी, वो ही खराब था हमको। और अभी आप वो जो गाना एक गाए थे अभी वो सुना सकते हैं फिर से थोड़ा एक एक लाइन? कौन तो ट्रेंडिंग चल रहा था वो वाला गाना, वक्त का ये परिंदा झुका था कहाँ, ऐसे था तो हम इसको बता दे रहे हैं। वक्त का ये परिंदा छिपा था कहाँ, मनीष भैया अच्छा थे उनको बिहार ले आओ। तो हमारा यही कहना है कि कलाकार है भैया, गाना गा के भैया हम चाहते हैं मनीष भैया बिहार आ जाएं, और सभी समर्थक जो गाली हमारा दें बाबू गाली देकर अपन संस्कार मत हिंसा बल दिखाओ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यही समीर चौधरी, बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा तो अनु अनाप शनाप अजुल जलूल सब बकते रहता है कि समीर चौधरी ऐसे है समीर चौधरी वैसे है, बट बात करने के तरीका से अगर आप देखिएगा तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि समीर चौधरी जो है अब ख़राब है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं जैसा कि मैंने मिला और बातें की उनसे मुझे पता चला। तो आइए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाकी आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब रख।